आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि नरसिंह मेहता जो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, देखो भगवान से किस प्रकार से गुस्सा होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए हमारे चैनल रत्नगढ़ धार्मिक। और भाभियां आए ननद के घर, तो वो ननदें अपना नुकसान करवाती है। याद रखना, ननद के घर में यदि सुख दुख का समय हो और उस वक्त अपनी ननद के घर भाभी ना जाए, तो वो खुद अपना नुकसान करवाती है। ननद चाहे कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, लिख लेना, ननद चाहे कितना भी लड़ झगड़ के निकल जाए, पर अगर भाभियां सुख दुख में ननद के घर नहीं जाती है तो अपना नुकसान करवाती है। क्योंकि ये बेटियां बोझ नहीं होती, ये बेटियां बोझ नहीं होती, ये अपनी किस्मत लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांध देते हैं, बंद के चली जाती है, बंद के चली जाती है। लेकिन घर से विदा होती बेटी अपने सुख दुख की चिंता नहीं करती। वो हाथ जोड़कर कहती है कि पापा, मैं जैसी भी रहूं, तेरा आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। मेरे बाबा का आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। मेरे भैया की झोलियां मेरी भाभी की गोदी हमेशा भरी रहे, हमेशा भरी रहे। ये आशीर्वाद देकर बेटियां विदा होती है। घर के आंगन में चावल फेंकती बेटी, एक अभिप्राय देखी जाती है। बेटियां चिड़िया होती है, इनके पर नहीं होते, इनके मायके होते हैं, इनके ससुराल होते हैं, इनके घर नहीं होते, इनके घर नहीं होते। बता है मुरली वाले, ये बेटियां किसके लिए बनाई हैं? पिता सारी उम्र कहता है कि लाडो तू पराया धन है, पिता सारी उम्र कहता है कि लाडो तू पराया धन है। सास रोज ताने मारती है कि तू पराए घर से आई है, तू पराए घर से आई है। बता मेरे मुरली वाले, तूने बेटियां किसके लिए बनाई हैं? तो उस मुरली वाले ने जवाब दिया, सुनना जरा, कि बेटी देवी का चित्र होती है। बेटियों के लिए तालियां बजाते रहो। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय और पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, पिता करते हैं घर से विलख कर विदा और रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं जो घर से अपने कन्या का दान करते हैं, घर व्यापार बांटते हैं बेटे, घर व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। एक कुल की शान होते हैं बेटे, मगर दो दो कुलों की जान होती है बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, मगर उग आती है बेटियां। हम पढ़ाते हैं इन बेटों को हैं, मगर पढ़ जाती है बेटियां। आइए कथा की ओर चलते हैं। आज नानी ने भी एक बेटी का धर्म निभाया है। आई वहां खड़े हो जाओ, कन्हैया और उसके बीच में, नरसी के बीच में। कन्हैया को पीछे ले लो, पीठ देके खड़े हो जाओ कन्हैया के ओर। हाँ, आज नानी है कि बेटी की और एक बहन का धर्म निभा रही है। कैसे? नरसी नाराज हो रहे हैं कन्हैया पे,
कि उठा तेरी गठरी ले जा, अब तेरी मेरी पटरी नहीं खाएगी, क्योंकि इतनी देर से आया। नानी कन्हैया और नरसी के बीच में आके खड़ी हो जाती है। कन्हैया को और अपनी भाभी को अपने पीछे छुपा लेती है, अपने पीछे छुपा लेती है। बड़ी बहन माँ जैसी होती है, बड़ी बहन माँ जैसी होती है अपने भाई के लिए। जब नानी ने देखा कि नरसी कन्हैया से नाराजगी में शिकायत कर रहे हैं, तो नानी नरसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, कन्हैया को अपने पीछे ले लेती है, ताकि छुपा लेती है अपने पीछे, हाथ जोड़कर बोलती है नरसी जी से, नानी बाबा मेरा भाई किसके द्वारे आया है? नरसी बोले, तेरे। मेरी भाभियां किसके द्वारे आई है? नरसी बोले, तेरे। नानी बोली, बाबा जब भैया मेरे घर आए हैं, भाभियां जब मेरे घर आए हैं और देर से आए हैं, तो इनसे झगड़ने का हक किसको है? नरसी बोले, तेरे को। तो फिर आप क्यों नाराज हो रहे हो? घर का झगड़ा बाद में देखेंगे, घर का झगड़ा बाद में देखेंगे, आओ पहले चलो। भात का मुहूर्त निकलता जा रहा है, कल्पना करना उस दृश्य की, कल्पना करना उस दृश्य की कि आगे आगे नानी चल रही है, आगे आ जाओ, पीछे पीछे कन्हैया और धामा रुक्मण चल रही है, यहां से ऐसे ताली बजाते रहो। कल्पना करना उस नजारे की कि आगे आगे नानी भाई चल रही है और पीछे कन्हैया और भामा रुक्मण जैसी भाभियां, मेरे ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। हीरे मोतियों से थाल भरे हैं, 56 करोड़ के हीरे मोती, मायरे की चुनड़ी भामा रुक्मण जैसी भाभियों के हाथ में, चुनड़ी का खोल के दो हाथ में। छप्पन करोड़ के हीरे मोती और मायरे की चुनड़ी भामा और रुक्मण के हाथ में, नानी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे नरसी जी और कन्हैया चल रहे हैं। नानी बोल रही है, देखो गांव वालों देखो, ताने मारते थे ना कि मेरा कोई भाई नहीं है, देखो आज कौन आया है, कौन है मेरा भाई। आज देखो गौर से मेरा भाई कौन है। ये कहती हुई नानी भाई नाचने लगती है और गाने लगती है, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। आज नाचे नानी भाई, आज नाचे नानी भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। आज नाचे नानी भाई, आज नाचे नानी भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। आज नाचे नानी भाई, आज नाचे नानी भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आज आयो रे धर्म को भाई। हर मोहे उसकी दीवानी की है, वो कृष्णा 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 है,
बोलिए कृष्णा कन्हैया लाल की। भात बनने वाले नानी की दहलीज चले जाते हैं, मगर विडंबना देखिए, बजाते रहो। भात भरने वाले नानी की चौखट पे खड़े हैं, मगर कोई स्वागत करने के लिए नहीं आया। एक तो बेटी का बाप, ऊपर से गरीब, उसका स्वागत कौन करे। हमारे समाज की सोच देखिए। कहने को तो हम कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है। कहने को तो हम कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, मगर बेटी का बाप आए तो स्वागत कौन करे। और यदि बाप गरीब हो तो और भी बड़ी बुरी बात। नानी के दरवाजे गरीब नरसी अपने खड़े हैं, मगर कोई स्वागत नहीं कर रहा है। हम बैनर तो बड़े बड़े लगा देते हैं, अतिथि देवो भव। आपको नन्ही भाई का मायरा अगर आपको दोबारा देखना हो तो आप हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक चैनल को रोजाना सुबह 7 बजे खोल कर भी देखिए, और मैं आपको नन्ही भाई का मायरा दिखाऊंगा। हमारे यहाँ के रतनगढ़ के श्री एस पी वर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार, इतना मार्मिक रूप से ये को गाया है नानी भाई के मायरे को, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। बड़े भाव से उन्होंने गाया है, और वो वीडियो क्लिपिंग में आपको रोजाना 5 मिनट का वीडियो कल सुबह 7 बजे से दिखाना शुरू करूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा नानी भाई का मायरा अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कार्यक्रम को आप शेयर जरूर करना। देखो, आप हमारी ताकत हो और आपकी वजह से हम ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। आपसे निवेदन है कि आप शेयर जरूर करना। जय श्री श्याम, जय माँ करणी जी, जय हनुमान, आपकी जय हो।